हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपसे चर्चा करूँगा हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के करियर में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या अगर आप सोच रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में कुछ करने की आफ्टर 12th, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। तो चलिए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है क्या। हॉस्पिटैलिटी यानी कि किसी की केयर और देखभाल, और कुछ लोग इसका मतलब हॉस्पिटल से लगा लेते हैं जिनको थोड़ा नहीं पता होता हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब है आप केयर और किस तरह से देखभाल कर रहे हो। तो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का नाम एक साथ ही लिया जाता है। ये जो इंडस्ट्री है एक्सपेंड कर रही है, काफ़ी बढ़ रही है, एक्सपेंडिंग ट्रमेंडसली एंड हैज़ बिकम हाईली प्रोफेशनलाइज्ड। यानी कि ये जो इंडस्ट्री है उसकी डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में रहती है। इसमें प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं हर जगह पर। द करियर रिक्वायर्स वन टू पोजेस ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एफिशियंसी। जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के लिए ट्राई कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि इस करियर में कि एक अच्छी पर्सनैलिटी, प्लीजिंग पर्सनैलिटी और अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एफिशिएंसी चाहिए होती है। यानी कि हर चीज़ में एकदम चुस्त व्यक्ति इसमें चाहिए होता है, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में। जो मेजर सर्विसेज ऑफर्ड ये कर रहे हैं इस इंडस्ट्रीज़ में, जो ट्रैवल, टूर, कार्गो, टिकटिंग एंड अकाउंट्स, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्टेस, काउंटर अटेंडेंट, फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, पब्लिक रिलेशंस, फूड एंड बेवरेजेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, बैंक्वेट एक्सेट्रा। अगर हम बात करें कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, तो आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं। हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले कवर होता है इसमें ट्रैवल। ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो जाएंगी वो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में कवर होंगी। यानी कि अगर आप ये कोर्स करते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के अंडर, कुछ भी आप कवर करते हैं, कुछ कोर्स करते हैं, तो आपके लिए कितनी संभावना हो जाएगी कि आप कौन कौन से करियर अपना सकते हैं। ट्रैवल फील्ड में जा सकते हैं या खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। टूर फील्ड में, कार्गो फील्ड में। कार्गो क्या होता है? सामान, यानी कि सामान की आवाजाही होती है। जो कार्गो भर भर के एक देश से दूसरे देश जाता है या एक जगह से दूसरी जगह कार्गो जाता है वो कार्गो होता है। टिकटिंग, टिकटिंग चाहे रेलवे की टिकटिंग हो, एयर फ्लाइट की टिकटिंग हो, बस की टिकटिंग हो, किसी भी टिकटिंग हो, टिकटिंग फील्ड में आप जा सकते हैं। अकाउंट्स फील्ड में आप जा सकते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट यानी कि एयर होस्टेस, क्रू बन सकते हैं। और काउंटर अटेंडेंट यानी कि जो काउंटर पर होते हैं होटल्स में, काउंटर अटेंडेंट बन सकते हैं। फ्रंट ऑफिस में जा सकते हैं। हाउस कीपिंग में जा सकते हैं। हाउस कीपिंग यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो साफ सफाई रखता है, हाउस कीपिंग। पब्लिक रिलेशनशिप में जा सकते हैं। फूड एंड बेवरेजेस में जा सकते हैं। फूड एंड बेवरेजेस में आपको मैं बताऊं कि वो चीज़ें भी हम काउंट करते हैं, जैसे मैकडोनल्ड है तो वो फूड एंड बेवरेजेस वाले भी लेते हैं जिनको नॉलेज होती है। पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, मतलब जितने भी ये MNCs कंपनी होगी फूड से रिलेटेड, वो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी मौका देती है काम करने का। सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, बैंक्वेट्स हो गया, यानी कि ये सभी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी कब, अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का कोर्स करते हैं। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म हैज़ मेड द होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड टूरिज्म सेक्टर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये जो इंडस्ट्री है वो इंडियन इकोनॉमी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स इकोनॉमी है। और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में ग्लैमर है, और आप जो आप चकाचौंध चाहते हैं वो इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ये फील्ड है वो चकाचौंध की फील्ड है। और यहाँ पर गेस्ट को आपको अच्छा रखना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है, और ग्लैमर के साथ साथ आपको कस्टमर की विश को भी समझना पड़ता है कि ये उसके माहौल को, उसके मूड को समझना पड़ता है, क्योंकि ये गेस्ट सर्विस से रिलेटेड ही एक तरह से सर्विस है। गेस्ट खुश तो आप खुश और कंपनी खुश जिस कंपनी में आप हैं। स्माइल के साथ आपको हमेशा फेस करना होता है।
तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म से रिलेटेड। तो सबसे पहले है नेम ऑफ़ द कोर्स, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज, जिसका ड्यूरेशन है 1.5 साल का ड्यूरेशन है, और रिक्रूटमेंट बोर्ड इसके हो सकते हैं आप इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग न्यूट्रिशन पूसा से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी काफ़ी जगह से आप इसको कर सकते हैं। एज इसमें अप टू 22 ईयर्स तक आप भर सकते हैं, यानी कि आफ्टर 18। एलिजिबिलिटी है 10+2 है, यानी कि 18 से 22 के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 स्कीम ऑफ एडमिशन, एडमिशन बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। अगला है डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, आप इसको करके बड़े बड़े शेफ बन सकते हैं बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के। इसके अलावा ये भी 1.5 साल का ही कोर्स है, 1.5 साल का कोर्स है, और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा से काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं, HM से रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आप पूसा से ही करें, आप बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी करवाती हैं ये कोर्सेज़, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, और इसके बेस में आप फॉरेन भी जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं, इसके बेस पर आप इंटर्नशिप इंडिया में करके थोड़ा अच्छा, आपके आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स को डेवलप करके आप फिर फॉरेन भी आप जा सकते हैं। डिप्लोमा है क्राफ्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, और सेम 1.5 साल का कोर्स है, और आई पूसा से कर सकते हैं, या आप अदर एलिजिबिलिटी जो है इसकी 12th ही है, अदर से कोर्स से भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कुकरी 1.5 साल का कोर्स है, 10th पास इसमें मांगा जाता है, जुलाई में ही इसके फॉर्म्स निकलते हैं आप देख सकते हैं, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ओल्ड गार्गी कॉलेज बिल्डिंग लाजपत नगर, वहाँ से भी आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन कुकरी, 10th के बाद आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग जैसे रखरखाव होता है उसके भी मैनेजर होते हैं, हाउसकीपिंग मैनेजर, बड़े बड़े होटल्स में हाउसकीपिंग मैनेजर्स अलग होते हैं, वो भी आप कोर्स कर सकते हैं, 10th मांगा है इसमें भी। डिप्लोमा इन रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विसेज 1.5 साल का कोर्स है, और यही गार्गी कॉलेज से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस वरी करता है, डिफरेंस होता है थोड़ा फीस में, 10th के बेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन होटल रिसेप्शन एंड बुक कीपिंग सेम है, 10th पास मांगा है, इसमें भी 1.5 साल का कोर्स है। ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड एयरपोर्ट हैंडलिंग, वह 1 साल का कोर्स है, YMCA जयसिंह रोड कनाट प्लेस से आप कर सकते हैं, 12th पास पे मांगा गया है, राउंड द ईयर हमेशा चलते रहते हैं इसके एडमिशन, एडमिशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर भी रहता है, और पार्ट टाइम भी होता है इसमें। बेसिक कोर्स ऑन ट्रैवल फेयर एंड टिकटिंग, 3 मंथ्स का कोर्स है, बेसिक कोर्स है ये, मैं प्रेफर नहीं करूँगा, बेसिक से अच्छा आप 1 साल का ज़रूर करें ये कोर्स अगर करना है तो। बेसिक कोर्स 1 मंथ वाला भी इतना फ़ायदेमंद नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आपकी कहीं जॉब लग रही है, कहीं बात हो चुकी है, अगर उन्होंने प्रेफर कर रहे हैं एक महीने वाला कोर्स तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मिनिमम 6 महीने और 1 साल वाला कोर्स ही करें। बेसिक कोर्स ऑन एयरलाइन ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेशन, एयरलाइंस ट्रैवल एजेंट पर्सनल, 12th मांगा है इसमें भी। एयर होस्टेस एंड फ्लाइट स्टेवर्ड कोर्सेज, कैबिन क्रू इंटरनेशनल, इसके लिए इंग्लिश भी आपको काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। YMCA आहा, फ्रैंकफिन, स्काईलाइन एविएशन, पैसिफिक एयरवेज, एप्टिमा AH, यहाँ से आप कर सकते हैं, और बिलो 25 ईयर्स तक एज होनी चाहिए आपकी। डायरेक्ट क्या है, इंटरव्यू टू एसेस फिजिकल रिक्वायरमेंट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट गिवन रिटन टेस्ट फॉर GK, मेंटल एबिलिटी एंड लैंग्वेज एबिलिटी, फाइनल इंटरव्यू होता है, राउंड द ईयर चलता रहता है इसका इंटरव्यू, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेम कोर्सेज है एयर होस्टेस के लिए और फ्लाइट स्टेवर्ड, एयर होस्टेस यानी कि गर्ल्स के लिए और फ्लाइट स्टेवर्ड यानी कि बॉयज़ के लिए, जॉब प्रोफाइल सेम होती है, कैबिन क्रू होते हैं ये फ्लाइट में, और एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, माउंटेनरिंग, फास्ट ड्राइविंग, कैंपेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बैलूनिंग, जंपिंग, इसके लिए भी कोर्सेज होते हैं, और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, हिमालयन रिवर,
रिसर्च ये सब करवाते हैं कोर्सेज, अबव 18 इयर्स इसमें चाहिए, पेरेंट्स के कंसर्न्स भी चाहिए इसमें कि पेरेंट्स भेज रहे हैं कि नहीं आपको ये करने के लिए, और नो फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, वैसे 12th आपने की हुई है तो चल जाएगा। फॉरेन लैंग्वेजेस आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा कोर्सेज इन एशियन यूरोपियन अफ्रीकन लैंग्वेजेस वेरियस फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, JNU से कर सकते हैं, DU से कर सकते हैं, जामिया से कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म से कर सकते हैं, ट्रैवल मैनेजमेंट, चाणक्यपुरी, मैक्स म्यूलर भवन, भारतीय विद्या भवन, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, रक्षा मंत्रालय, 25 लोधी रोड, बहुत सारी जगहें जहाँ से आप कर सकते हैं 12th पास के बाद। एज नो बार, मतलब एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट इन सम इंस्टीट्यूट टेस्ट एंड इंटरव्यू, डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है और किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट के माध्यम से भी एडमिशन आपका हो जाता है। तो ये चर्चा थी आप आज आपकी होटल मैनेजमेंट या टूरिज्म इंडस्ट्री बोल दो या हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म बोल दो, इन सभी के बारे में आज चर्चा थी। तो ये आपको चर्चा कैसी लगी, आप और किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और किस फील्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मैं उस फील्ड के लिए भी आपको बता दूंगा। और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।